अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट? और आपने देखा है कि ऑक्सीडेशन होता है, इस सब में एनर्जी बनती है, बट कभी भी यह एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है कंबशन में। तो अगर आपको एक ऐसा सेल डिजाइन कर पाए जिसमें कंबशन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल। इसीलिए वर्ड भी देखिए फ्यूल पड़ा है। क्या करता है फ्यूल सेल? बेसिकली कंबशन एनर्जी जो होती है इसको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप कंबशन किसका कराते हो इस पर डिपेंड करता है कि आपके फ्यूल सेल कौन सा बनना है। आपको मीथेन का कराना है, H2O2 का कराना है, तो उस हिसाब से चेंज होता है। तो हमारे सिलेबस में है कंबशन H2O2 फ्यूल सेल। देखिए इसको, इसमें क्या करते हैं समझना, कार्बन का ही एनोड होता है और कार्बन का ही कैथोड होता है। पहली चीज, कार्बन बोले तो कौन सा? ग्रेफाइट। आपने एक सेल तैयार करते हो, रुक जाओ भी, ठीक है, ये बीच का चैम्बर, यहां से आप ऑक्सीजन डालिए, यहां से आप हाइड्रोजन डालिए, दैट इज H2O2 फ्यूल सेल। यहां होता है आपके पास NaOH, ये होता है आपके पास कार्बन का इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा आपके पास एनोड और ये होगा आपके पास कैथोड। और ये होगा वाटर, पोरस होते हैं ना। बस ज्यादा कुछ भी नहीं है आपको, कैथोड किसका है, एनोड किसका है, इलेक्ट्रोलाइट किसका है। जिधर से हाइड्रोजन डाली है वो एनोड और जिधर से ऑक्सीजन डाली है वो कैथोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, थोड़ा कैटलिस्ट की फॉर्म में इसमें प्लेटिनम या फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम डाल दिया जाता है ताकि रिएक्शन अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, इको फ्रेंडली होता है और ये जो पानी निकलता है पानी को भी यूज कर सकते हो आप। तो हम लोग जनरली जो स्पेसशिप्स होते हैं उसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये जो पानी बनता है प्योर होता है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली यही है। अब एक बार मैं इसको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उसकी एक बार डिटेल आप पढ़ लेना। तो इसके एडवांटेजेस लिख लीजिए एक बार, एडवांटेजेस क्या है। पहला, जो नॉर्मल सेल होते हैं उससे ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो इसकी मोर एफिशिएंस 70% एफिशिएंसी होती है, जनरली सेल्स की 40% से ज्यादा नहीं होती है। दूसरा, इको फ्रेंडली होगा, मतलब नो हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस्ड। जो अपोलो शटल प्रोग्राम हुआ था ना उसमें इसी का यूज हुआ था, लिख लेना, अपोलो शटल प्रोग्राम एक बार आया था पूछने के लिए, बोर्ड में पूछ लेता अपोलो शटल प्रोग्राम में यूज होने वाला सेल कौन सा था। ठीक है, मोर एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है, और तो क्या कर सकते हो आप इसमें, हाँ, लिटिल टाइम टू गो इन टू ऑपरेशन, ये लिख सकते हो, टेक्स लिटिल टाइम टू ऑपरेट, बस खत्म। याद रखना, जिधर से हाइड्रोजन गया है उधर एनोड है ना। आइए एक बार इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं, क्या क्या रिएक्शंस होती है एट कैथोड,
कैथोड पर ये ऑक्सीजन जब जाती है हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, याद करनी पड़ेगी आपको, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके चार इलेक्ट्रॉन और फोर ओएच माइनस आयन, और एट एनोड, एनोड पे हाइड्रोजन जाती है और ओएच माइनस आयन से रिएक्शन करती है और H2O बनाती है। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है ये मुझे याद है, H2 प्लस O2 H2O, तो बैलेंस कर दो 2H2O, बाकी सब पड़ जाएगा। तो सेल रिएक्शन ये होती है। तो बेसिकली फ्यूल सेल का काम क्या है, कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। अगर आप मीथेन का यूज करते हो H2O2 का, तो उस हिसाब से सेल डिजाइन करा जाता है। हमारे पास H2O2 फ्यूल सेल है जिसमें कार्बन का एनोड होता है, कार्बन का एक कैथोड होता है, दोनों पोरस होते हैं। ये एनोड और कैथोड आपको लगा दिए जाते हैं, जिधर से हाइड्रोजन जाती है वो एनोड का काम करता है, जिधर से ऑक्सीजन जाती है वो कैथोड का काम करता है। इसमें हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट कर देते हैं और इसमें से वाटर बन बन के बाहर आता है जो हम यूज कर सकते हैं। मोर एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है और कम टाइम में ये ऑपरेट हो जाता है। कैथोड पर ऑक्सीजन जाती है जो कि वाटर से को ऑक्सीडाइज करती है, को रिड्यूस करती है और 4OH- बनाती है। एनोड पे हाइड्रोजन जाएगी जो कि आपके पास में OH- आयन जो बनता है उससे रिएक्शन करती है और 4H2O बनाती है, दोनों को मिला के। ठीक है, सो दिस वॉज